नमस्कार। खाना। आप यहाँ? देखो मुस्कान, तुमने जो कुछ भी किया, दादाजी और पप्पू बहुत नाराज हैं। आज तक हमारे खानदान में किसी लड़की की इतनी जुर्रत नहीं हुई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत गुस्से हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन इस तरह तुमने मंगनी से इनकार किया, कुछ तो वजह होगी। देखो तुमने दादाजी को दुख पहुंचाया और अब खुद खाना ना खाकर प्लीज अपने आप को इस तरह अजियत ना पहुंचा। एक बात बताएं, आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इस तरह खाए बिना सो जाओ। मुझे खाना नहीं खाना, प्लीज लीजिए। दादाजी बता रहे थे कि पहले तुम रियान से मंगने के लिए तैयार थी, फिर अचानक इनकार क्यों? मेरी मर्जी, मुझे रियान से मंगनी नहीं करनी थी इसलिए नहीं की। और जहां तक बात है दादाजी की, तो मैं जानती हूँ कि मेरे फैसले ने उन्हें तकलीफ पहुंचाई है। मुझे इस बात का एहसास है। आप प्लीज जाइए। बहुत नादान हो तुम। तुम दादाजी के गुस्से को नहीं जानती। ऐसे इनकार करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वो मेरा मसला है, आपका नहीं। आप प्लीज जाइए और ट्रे भी ले जाइएगा। एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम्हें, सारी जिंदगी याद रखोगी, सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। सुनिए भाई जी, सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं परेशान हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए खाना लेकर आए, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच।